जब भक्त की भावना का प्रश्न आता है तो भगवान भी भूखे हो जाते हैं, तब वो शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं और विदुरानी के केले के छिलके खा लेते हैं। इतनी भूख लग गई भगवान को, गोपियों के घरों से चोरी करके मक्खन खा लिए। क्यों? वो भक्तों की भावना ने भगवान को भूखा बना दिया। जब महाभारत शुरू होने जा रही थी, उससे पहले श्री कृष्ण ने कहा, एक कौरव पांडव की संधि का प्रयास करें, क्योंकि भविष्य में कोई बदनाम न करे कि श्री कृष्ण उपस्थित थे मृत्युलोक में और श्री कृष्ण के रहते हुए ये महाभारत क्यों हो गई, श्री कृष्ण ने उसको टाला क्यों नहीं। हम लोगों का अभी भगवान पर विश्वास नहीं है, यही समस्या। हम कहते तो हैं राम नाम सत्य है, लेकिन मानते नहीं। यह हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा है, जब कोई मरता है लोग उसके शव को शमशान ले जाते हैं, नारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन फैक्ट में कोई मानता नहीं है, मुंह से बोल देते। मान लो एक बाप का बेटा मर गया, लोग उसकी लाश को ले जा रहे हैं शमशान और नारा लगा रहे हैं राम नाम सत्य है। अब बाय चांस वो बेटा उठ के बैठ जाए, जिसको ले जा रहे थे वो फैक्ट में मरा नहीं था, डॉक्टर को गलत फहमी हो गई थी, तो बेटा उठ के बैठ गया। बाप ने देखा, अरे मेरा बेटा तो जिंदा है। बाप ने कहा, ए कोई मत बोलो राम नाम सत्य है, चुप। तो क्यों जी, हम घर नहीं लौटेंगे? बिल्कुल, अब शमशान थोड़ी जाना। तो ठीक है, घर लौटते समय भी आपके बेटे को उठा के बोलते जाएंगे राम नाम सत्य है, ए खबरदार गंदी बात मत बोलो। वो तब बोलते हैं जब कोई मर जाता, अब मेरा बेटा जिंदा हो गया है, अब राम नाम सत्य नहीं है, अब मेरा बेटा सत्य हो गया। वाह साहब, ये बढ़िया आपका ज्ञान है, राम नाम सब सत्य कह, जब लो जात मसान। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने लिखा है कि देखो ये संसारी लोगों का ज्ञान कैसा विचित्र है, जब शमशान घाट जाते हैं तो राम नाम को सत्य बोलते, लौटत ही पुनि जगत कह, सत्य मानी धनी ज्ञान। जब वहां से लौटते हैं तो फिर संसार को सत्य मान लेते हैं, फिर कोई मरा फिर राम को सत्य बोलते हुए शमशान जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो फिर संसार को सत्य मान लेते हैं। अतः हम लोगों का अभी भगवान पर ठीक ठीक विश्वास नहीं है, तो प्रेम कैसे होगा? आप लोग घर में ठाकुर की भक्ति करते हैं? हमारे भारतवर्ष में सबके घर में भगवान है किसी न किसी रूप में, चाहे वो दुर्गा माँ का रूप हो, जगन्नाथ जी का हो, लड्डू गोपाल हो, हनुमान जी हो, किसी रूप में सब लोग पूजते हैं। तो आप भगवान को भोग भी लगाते हैं? हाँ जी हाँ। कैसे भोग लगाते हैं आप? जी हम वो एक थाली लेते हैं और थाली में हम सामग्री रख के हम वो थाली को मंदिर में ले जाते हैं, अपने घर में आंख बंद करते हैं, हे भगवान खाइए, फिर हम आंख खोलते हैं और थाली हटा के हम खाने लग जाते हैं।
तो एक बात बताइए, आप जब भगवान को भोग चढ़ाए, उसके बाद जब आप आंख खोले, क्या आपने देखा कि भगवान ने क्या क्या खाया? कितनी रोटी माइनस हो गई, कौन सी सब्जी उनको ज्यादा पसंद आई, क्या दाल में उंगली डाली, ये आप देखे क्या? जी नहीं साहब। क्यों? अरे वो भगवान खाता थोड़ी है, भगवान खाता नहीं है तो भोग क्यों लगा रहे, ये ड्रामा क्यों कर रहे? ये सही है कि भगवान को खाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो एष आत्मा परित पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो, उनको न भूख लगती है न प्यास लगती है। किंतु जब भक्त की भावना का प्रश्न आता है तो भगवान भी भूखे हो जाते हैं, तब वो शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं और विदुरानी के केले के छिलके खा लेते। इतनी भूख लग गई भगवान को, गोपियों के घरों से चोरी करके मक्खन खा लिए। क्यों? वो भक्तों की भावना ने भगवान को भूखा बना दिया। जब महाभारत शुरू होने जा रही थी, उससे पहले श्री कृष्ण ने कहा, एक कौरव पांडव की संधि का प्रयास करें, क्योंकि भविष्य में कोई बदनाम न करे कि श्री कृष्ण उपस्थित थे मृत्युलोक में और श्री कृष्ण के रहते हुए ये महाभारत क्यों हो गई, श्री कृष्ण ने उसको टाला क्यों नहीं। तो श्री कृष्ण पहुंचे हस्तिनापुर, दुर्योधन ने 56 व्यंजन तैयार किए हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले दुर्योधन से कहा कि देख पांडव तेरे भाई हैं, हाँ हाँ मेरे चचेरे भाई हैं, उनको जीने का अधिकार है, हाँ हाँ अधिकार है, वे क्षत्रिय हैं, जीने के लिए उनको कुछ तो चाहिए, हाँ हाँ कुछ चाहिए, तो उनको 5 गांव दे दो बस, कोई महाभारत नहीं होगी, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, अरे श्री कृष्ण सुचकम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, तुम 5 गांव की बात करते हो, जितनी भूमि एक सुई के नोक पर है उतनी भी भूमि मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो अब श्री कृष्ण ने कहा, इसको क्या समझाएं? श्री कृष्ण ने दुर्योधन को विराट रूप दिखा दिया, जो विराट रूप भविष्य में भगवद गीता के अंतर्गत अर्जुन को दिखाएंगे, वो विराट रूप महाभारत से पूर्व दुर्योधन को दिखा दिए। लेकिन दुर्योधन ने नमस्कार नहीं किया, दुर्योधन ने कहा, ये कौन सा जोकर है, ये क्या कर रहा है, इसको रस्सी से बांध के कोठरे में डाल दो। इस समय धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन बहुत हो गया, श्री कृष्ण का अपमान करने का दुष्परिणाम आएगा। तो दुर्योधन ने कहा, अच्छा चलो ये सब बातें खत्म करो, मैंने भोजन तैयार किया है, आओ केशव हम भोजन ग्रहण करते। श्री कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन कोई भोजन 2 कारण से करता है, संप्रीति भोजनान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च त्वं प्रियसे राजन् न चैवापद गता वयम्। या तो कोई प्रेम से खिलाए तो व्यक्ति कहता है, अच्छा चलो खा लेते हैं, भूख तो नहीं है लेकिन इतने प्रेम से दे रहा, अथवा भूख लगी हो तो फिर व्यक्ति विवश होके खा लेता। तो दुर्योधन, न मुझे भूख लगी न तेरा कोई प्रेम है, और
मुझे तो इन्विटेशन मिला है विदुरानी से। अब श्री कृष्ण कौरव सभा में विदुरानी के घर का नाम अनाउंस कर दिए। विदुर जी वहां पर बैठे हुए थे सभा में, अब वो मंत्री तो नहीं रहे, वो पीछे बैठे थे। जब श्री कृष्ण ने अनाउंस कर दिया मैं विदुर के घर जाऊंगा, विदुर ने कहा मैंने तो कोई तैयारी ही नहीं की। वे भागे मार्केट भाई कुछ तो लाए। इतने में श्री कृष्ण उनके घर पहुंच ही गए और दरवाजा खटखटाने लगे, खोलो खोलो। विदुरानी स्नान कर रही थी तो उसने कहा ये कौन हल्ला मचा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा काकी बहुत भूख लगी है, दरवाजा खोलो। भूख लग गई? भगवान को कैसे भूख लग गई? क्योंकि विदुरानी बहुत दिन से प्लानिंग कर रही थी, अगर श्री कृष्ण मेरे घर आए मैं उनको यहां बिठाऊंगी, नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है यहां बिठाऊंगी, नहीं ये भी ठीक नहीं है इधर बिठाऊंगी, ये खिलाऊंगी नहीं नहीं ये खिलाऊंगी, मन से वो सोचती जाती थी। और श्री कृष्ण तो सबके अंदर रहते हैं, सबके मन के विचारों को जानते हैं। श्री कृष्ण को पता था संपूर्ण हस्तिनापुर में उनके श्रेष्ठतम भक्त कौन है, अतः वो बिना बुलाए विदुरानी के यहां चले गए। अब विदुरानी ने जब जाना कि श्याम सुंदर आए हैं, उसके तो होश उड़ गए। अब क्या खिलाएं, ऐसा नहीं है कि उसके घर में कुछ था ही नहीं, किंतु उसका प्रेम जो था उसमें ज्ञान लीन हो गया और निकट केले थे, वो केले खिला रही, लेकिन ऐसे खिला रही है जैसे किसी ने कभी नहीं खाया, क्योंकि वो गिरी को गिरा रही है और छिलका लेके श्याम सुंदर के मुंह में डाल रही है, तो श्याम सुंदर उसी छिलके को खा रहे हैं। भाई वाह क्या बढ़िया पदार्थ, अरे तुमको छिलके पसंद है? नहीं नहीं उसके प्रेम को देखो कितने भाव से वो दे रही है। इतने में तो विदुर जी पहुंचे वहां पर, उनने कहा अरे सुनो श्याम सुंदर ने मेरा इतना सम्मान किया, पूरी कौरव सभा में घोषणा कर दी, मैं लाया हूं लड्डू पेड़े तैयार करो आएंगे। और देखा कि श्री कृष्ण तो पहले से बैठे हुए थे और विदुर जी पाए कि उनकी पत्नी भगवान को केले के छिलके खिला रही, उनको गुस्सा आ गया। उनने कहा ये क्या कर रही हो? अब वो पेड़े इत्यादि दिए, श्री कृष्ण खाए तो सही, लेकिन उन्होंने कहा विदुर जी इसमें वो मजा नहीं मिला जो केले के छिलके में मिला। क्यों? कारण यह है कि भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। वे कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं कभी लेता नहीं, भाव वाले भक्त का एक पुष्प भी स्वीकार है, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का संपूर्ण मुझ पर भार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको
भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। अब हम लोग जब भगवान को भोग लगाते तो हम भाव बनाते ही नहीं कि वो खाएंगे आएंगे, हम तो पहले सोच लेते हैं वो खाएंगे ही नहीं। अगर हम इतना ही भाव बना लें कि भई आज भी वे प्रत्यक्ष नहीं आए मेरी थाली से खाने के लिए, जबकि धन्ना जाट के लिए आ गए, सदना कसाई के लिए आ गए, तो हमें कम से कम कुछ नंबर तो मिल जाए। लेकिन हम लोग डिसीजन कर लेते हैं भगवान मेरी थाली से खाएंगे ही नहीं, ये अश्रद्धा। तो बिना श्रद्धा के बिनु विश्वास भगति नहीं, भक्ति नहीं होगी। वो क्रम समझ लें, अगर प्रेम चाहिए तो विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास कैसे होगा? जब भगवान का ज्ञान होगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।